Hi guys, welcome or welcome back to my channel, Vlogger Manu. I hope you all are doing fine. हम लोग निकले हैं घूमने. Actually आज Saturday है और मनीष के दोस्त आए हैं कोटा से. काफी टाइम देखा होगा, हम इनके यहाँ जाते रहते हैं. ये तो पहली बार हमारे यहाँ. तो आज ही सुबह आए थे, मतलब दिन में. तो बस हम लोगों का क्या, इन दोनों का प्लान बन गया था. मैं तो बीच में वैसे ही ऐड हो गई हूँ, मुझे नहीं पता. हाँ, अब ऐसे ही है ना, फिर ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए वीकेंड वाले. तो फिर इन्होंने सिर्फ एक बार कहा और मैं आ गई. क्योंकि ये ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ मैं नहीं गई हूँ. अगर ये वैसी जगह जा रहे होते कि यार ठीक है जाओ जाओ, ऐसे हो जाता. फिर इसलिए चल रही हूँ मैं साथ में. आपने उस मॉल का नाम बता दिया इसलिए. तो अभी मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं और कौन सी जगह है. बट इनका जो भी प्लान है, लेट्स सी कि कहाँ जा रहे हैं. और मौसम बहुत सही है, जैसे ही घर से निकलने लगे बारिश आने लग गई और मौसम बिल्कुल सही हो गया. अदरवाइज दो तीन दिन से तो थोड़ी गर्मी हो. बेटू ने आज मेरी सीट छोड़ के और इनके पास पकड़ ली. ये किसी के पास नहीं जाती, मम्मी के पास नहीं जाती. मैं तो हैरान हूँ कि इनके आगे पीछे फिर रही है जब से आई है. चीकू पास वापस है ना. चीकू के दोनों गाल पे इधर खींचे, इधर खींचे, मम्मा ने खींच कर. कहाँ जाना है, विंडो में देखना है इनको. हाँ हाई कर दो, सबको हाई कर दो. आजकल हाई नहीं करते आप. नाइन नाइन. हाँ सामने मॉल एकदम होटल की तरह और पैलेस की तरह बन रहा है ये. तो बस अब चलते हैं हम अंदर. अभी जस्ट पहुंचा. बेटू जो है सो गया है अच्छे से, थोड़ी बहुत तो नींद निकल ही गई होगी एटलीस्ट. और अब बस बेटू को उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि और बारिश भी रुक गई है. सबसे अच्छी बात हल्की से धूप निकल गई, वही थी बारिश. तो पहुंच गए हैं एक मिनट में रोड क्रॉस करने. ग्रैंड वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा में है ना ये. ओके, तो इस तरीके से बनाया. मैं ऐसा लग रहा था पैलेस है या कुछ वैसा है. बहुत ही डिफरेंट मॉल है. बेटू जो है पापा के पास से और बस एंट्री कर रहे हैं हम लोग. यार फीलिंग आ रही एकदम मॉल जाइए क्या सीन है. वाओ वाओ अमेजिंग फील आ रही है. सुनो फील नहीं आ रही ना मॉल में, मॉल में से फील नहीं आ रही ना. चीकू जो 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 जो. अच्छा जी, यहाँ पे है गंडोला राइड्स करके और ग्रैंड कैनल. और इस तरीके से यहाँ पे बनाया. दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस. कि जैसे फॉरेन मूवीज में दिखाते हैं ना, फॉरेन में ऐसे वेनिस जैसा. हाँ वेनिस जैसा. तो ये करवाते नहीं है क्या बोटिंग? है नहीं यहाँ पे कोई. हाँ कोई है ही नहीं अभी तो. और ये भी क्लोज कर रखा है पूरा. वाह हाँ चलते हैं लाइफस्टाइल. रुको. वाह अमेजिंग, एकदम फॉरेन जैसा. वेनिस से ली हुई है वैसे थीम ना इसकी. मॉल का नेम ही है ग्रैंड वेनिस. मार्केट जैसे लाजपत जाके मैं फैल गई थी, मेरे पति आके फैल गए कि लाइफस्टाइल है लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल है लाइफस्टाइल. हाँ यहाँ पे चल रही है, चल रही है. वाओ पानी भी एकदम ऐसे ब्लूइश एंड मस्त. वाओ सुनो फोटोज वगैरह खिंचवाएंगे यार, फोटोज खिंचवाएंगे यार बहुत. हाँ वाओ पानी भी एकदम ऐसा लाइट है लग रही है. मैं सोचू कि पानी भी एकदम ऐसा ब्लू सा कर रखा है. ये रहा ना लाइफ स्टाइल. <laughs>
चल एक बैग ले लेती हूँ, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे आज मेरे पति देव। नहीं मैं नहीं ये करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मेरा तो हो गया कोटा पूरा। तो मनीष और वो जो उनके फ्रेंड है दोनों ऊपर हैं और हम दोनों चले नीचे हमारे सेक्शन में। हम लोग को मैंने कहा आप पसंद करो, हम जेंट्स सेक्शन में क्या करें, हम लोग बेबी वाले सेक्शन में जाते क्योंकि इसके लिए कुछ देख लूंगी और मेरा तो कोटा पूरा हो ही चुका है वैसे भी। तो क्या देख रहे हैं? हाँ ये यहाँ से पूरा बाय जाएं। आजो 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 भागेगी वो तो। ये टर्किश आइसक्रीम। नो बीच में से चढ़ते हैं, मेरी बेटी आगे से चढ़ेगी ट्रेन में, इंजन में चढ़ेगी। वो क्या बोलते हैं ट्रेन वाले को, लोको पायलट बोलते हैं, लोको पायलट बनेगी मेरी बेटी, आगे से चढ़ रही है उसमें। है मनीष वो ग्रीन टी शर्ट में अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, मैं इधर हूँ और ये हमारा बच्चा देखो क्या हो रहा है, ये निकलो। सुनो पहले तू इन दोनों को पकड़ के इनके साथ में खड़ी हो गई। हम आ गए मार्केट 99 में। ये सामान फेंकेगी, इसको गोद ही लेना पड़ेगा। अच्छा सॉफ्ट टॉयज दिख गए इसको, अपने सॉफ्ट टॉयज के पास आ गई है। ये सब भी 99 है क्या? 99 वाली मार्केट से निकल के अब आ गए ऊपर जो खाने वाली यूनिट है। जा जा के देखना तो क्या करेंगे, समोसे खाने हैं क्या तेरे को? नहीं चलो पापा चलेगा, पापा चलेगा। ऐसी यूनिट है पूरा आगे से पीछे तक। मनीष और मुनीश दोनों जो फ्रेंड्स हैं इनका प्यार है, मतलब पुराना मैकडी, तो ये लोग खाएंगे शायद बर्गर वर्गर, हम लोग भी खाएंगे फिर साथ में। क्या देख रहे थे? मोमोज। तुम्हारा प्लेटर ये है, ये बेटू के फ्रेंच फ्राइज और ये नाचोस है। मैंने मैं कब भूखी नहीं थी ज्यादा। यहाँ पे ऐसे गेम्स वगैरह बहुत है बच्चों के लिए, ये देखो सारी चीजें ही है, देखो सारी एक्टिविटीज है उधर। 99 से बेटू का गेम और एक ये थैला ले लिया सब्जी के हिसाब से ना। का व्यू हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर पे और ये पीछे एक्चुअली एप्पल का शोरूम है। दोनों दोस्त कुछ देख रहे हैं वहाँ पे, मुनीश को कुछ चाहिए एक्चुअली, तो वो ही देख रहे हैं। बेटू अंदर चला गया, कभी अंदर कभी बाहर ऐसे, और बाहर बहुत अच्छा एम्बियंस है इस मॉल का ना, एम्बियंस बहुत अच्छा है एक्चुअली में ना, बहुत अच्छा बना हुआ, पूरी थीम वेनिस वाली है ना तो इसलिए। तो हम लोग आ गए हैं बाहर, अब निकल गए हैं, 5 बजने को है ऑलमोस्ट ना, तो चलिए घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अभी शाम को ट्रैफिक है ना, हमें ये आइसक्रीम पेंडिंग है, मुझे आइसक्रीम खानी है अंदर। मैंने बस जरा सा वो जो आया था सालसा काइंड ऑफ उसके साथ वो खाया था। खुद यहाँ से चढ़ के खुद से चढ़ी है और अब ऊंचा नहीं हो जा रहा, रो रही है। तो यहाँ पे ये बेटू का गेम खोल लिया जो स्टैक करने वाला है, बस इसी में लगा हुआ है, ये नीचे बैठ जाता है और बस इन में लगा हुआ है वो, एक देखो नीचे से निकाला चीज के लिए, इन बच्चों के लिए गेम लाते हैं और ये क्या करते हैं इधर देख लो। सुन रहे हो, बहुत सारी चीजें हाथों में पहन के पड़ी है।
कुछ कुछ तो दिलाओ, कुछ तो दिलाओ बोला। अच्छा अच्छा क्या ये कीड़ा मर जाएगा ना माले में, तुझको पत्ती हो जाएगी उसकी पत्ती के ऊपर। तो हम लोग आ गए घर, पौने सात हो चुका है, बेटू भी अपना दूध ले रहा है, ये भी आराम से फ्रेश व्रेश हो लिया, हम सबने चेंज कर लिया, चाय बन गई है। मुनीश को जो इनके फ्रेंड है उनको भी चाय वाय दे दी है, मैंने भी चाय ले ली है। अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, लेट्स सी क्या बनाती हूँ डिनर में। आज मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, फीवर वगैरह आ रखा है उनको, फीवर आ गया रखा है, मतलब हम गए थे तब तो नहीं, पीछे से फीवर कह रहे थे कि मेरे को बॉडी ऐसी हो रही, थोड़ी बॉडी जैसा हो रहा है। तो फिर हम आते ही अभी मनीष फिर डॉक्टर के पास उनको दिखा के लेके आए, बस दवाई वगैरह दे दी है, तो अभी दवाई ले लेंगी, फिर मैं डिनर बनाती हूँ, रात की दवाई तब ले लेंगी, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा। मौसम ऐसे ही चल रहा है यार, तो उतना कोई सीरियस वाली बात नहीं है, बॉडी एक और हेडेक और ये सब हो रहा था। तो चलिए अभी हम डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। आई होप आपको, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो मॉल ना, पहली बार हम लोगों ने विजिट किया और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अंदर का एम्बियंस था ना वो बहुत अच्छा लगा। तो बस अब डिनर में क्या बनाती हूँ देखती हूँ, इस ब्लॉग को तो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा,